असलकुम वीवो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन अनवील हो चुका है द वीवो Y200 स्मार्टफोन अब ये वीवो Y100 का सक्सेसर है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में हाल ही में लॉन्च हो चुका है अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये हाल ही में क्या मतलब है भाई ये उर्दू का लफ्ज है और इसका मतलब है कि करीब करीब वक्त में यानी करीब करीब वक्त में वीवो वाई हंड्रेड लॉन्च हो चुका है जो कि साठ हज़ार रुपये ऑफिशियल रिटेल प्राइस रखी गई है बहरहाल वीवो वाई टू हंड्रेड स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं ये एक 5G वर्जन है उम्मीद है कि इस बार 5G वर्जन ही लॉन्च किया जाएगा जो 4G वर्जन है उसे हम पक गए हैं उसे हम बस बिल्कुल फुल हो चुके हैं हमें 4G वर्जन 680 या फिर G99 के साथ नहीं चाहिए Vivo Y200 स्मार्टफोन का जो फर्स्ट लुक जो डिजाइन है वो आपके सामने है डिजाइन बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है विवो के बाकी स्मार्टफोन की तरह डिजाइन दिया गया जैसे है जैसे कि Vivo Y28 की तरह डिजाइन है Vivo Y38 की तरह डिजाइन है और Vivo V30 की तरह सिमिलर कैमरा मॉड्यूल दिया है रेड पर एक स्क्वेयर कैमरा मॉड्यूल दिया है जिसमें डुअल कैमरा सर्ट पर रिंग लाइट वाला इलेक्ट्री फ्रिश लाइट दिया है और उससे नीचे कैमरा ब्रांडिंग दी गई है स्मार्टफोन का जो बैक साइड है वो ग्लास का दिया गया है जो कि मेट फिनिशिंग वाले डिजाइन में आता है कलर्स की बात की जाए तो स्मार्टफोन ब्लैक कलर सिल्वर कलर और ऑरेंज कलर में अनवील हो चुका है और बॉटम साइड पर वीवो की ब्रांडिंग भी दी गई है ये स्मार्टफोन एक राउंड फ्रेम के साथ आता है और ये फ्रेम प्लास्टिक का दिया है जो की mm और वन नाइनटी ग्राम इस स्मार्टफोन का वेट दिया है और स्मार्टफोन आई पी सिक्स की रेटिंग के साथ भी आता है वीवो स्मार्टफोन में यकीन एक प्रीमियम और एक बड़े साइज का डिस्प्ले दिया गया है 6.78 इंच का एक फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन वाला एक कर्व एमुलेट डिस्प्ले दिया है जो कि 120 हर्ट्ज के हाई हाई के साथ आता है एक सेंटर पांच वोल्ट कैमरा दिया गया है स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर को सपोर्ट करता है तेरह सौ की पीक ब्राइटनेस दी गई है टेन बिट कलर सपोर्टेड डिस्प्ले है और स्मार्टफोन नाइन्टी परसेंट की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी प्रोवाइड किया गया है Vivo Y200 स्मार्टफोन में वही प्रोसेसर दिया गया है जो कि Vivo V30e में प्रोवाइड किया गया है स्नैप ड्रेगन सिक्स जी वन का प्रोसेसर दिया है जो कि फोर एन पर बेस है और एडिनो सत सौ दस का जी दिया गया है ये स्मार्टफोन आठ जी रैम, दो सौ छप्पन जी स्टोरेज वाले वेरियन में एक्सपेक्टेड है जो कि यू एफ के सो टाइप के साथ आएगा और Android 14 के साथ आएगा जो कि आपको फंड फोर्टीन के लेटेस्ट वर्जन पर देखने को मिलेगा वीवो वाई टू हंड्रेड स्मार्टफोन के प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन अभी सिर्फ चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो चुका है फिलहाल ये ग्लोबल मार्केट में पहले आएगा उसके बाद पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा ग्लोबल मार्केट की लॉन्च की बात की जाए तो उम्मीद है कि यह स्मार्टफोन आपको जून के एंड में देखने को मिल सकता है उसके बाद पाकिस्तानी लॉन्च के वजह से बात करेंगे प्राइस की बात की जाए तो इसको इन शह सत्तर हजार रुपए के अस्सी हजार रुपए के आसपास इसको अनवील किया जाएगा वीवो वाई टू हंड्रेड स्मार्टफोन की रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया एफ वन पॉइंट के साथ विद ऑटो फोकस फीचर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है जबकि फ्रंट पर सेंटर पांचोल कैमरा में आठ मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है स्मार्टफोन रियर कैमरा से फोर के थर्टी एफ पर रिकॉर्डिंग कर सकता है और फ्रंट पर टेन एटी पी थर्टी ए पी एस पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है देखिए हैरान कन बात तो ये है कि वीवो ने बिल्ड क्वालिटी वाइज डिस्प्ले वाइज़ इवन की परफॉर्मेंस भी सब कुछ कमाल दिए हैं लेकिन कंजूसी की जाती है तो सिर्फ कैमरा वाइज की जाती है वही सिर्फ आठ मेगा पिक्सल का कैमरा दिया है और मेन कैमरा में ओ आई एस भी नहीं दिया गया तो ये किरण मायुसकुन बात ज़रूर है इतना ख़र्चा करते हो तो कम से कम जो सेल्फी कैमरा है वो भी डंका दे देते और जो मेन कैमरा है उसमें ओ आई एस भी डाल देते तो और भी सोने पर सुहागा हो जाता वीवो वाई टू हंड्रेड स्मार्टफोन की जो बैटरी है चार्जिंग है वो यकीन काबिल सिताई जरूर है स्मार्टफोन छह हजार एम एच बैटरी के साथ आएगा और अस्सी वाट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा टाइप सी पोर्ट और सिंगल स्पीकर के साथ ये स्मार्टफोन आएगा वीवो वाई टू हंड्रेड स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि स्मार्टफोन मुकम्मल ओवरऑल पैकेज है लेकिन वीवो ने सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट में कंजूसी की है चाहे फ्रंट कैमरा हो या फिर रियर कैमरा हो बाकी तमाम जो चीज़ें वो बिल्कुल टिक करता हूँ काफी ज्यादा कमाल है पावरफुल है बाकी जब ये लांच हो जाएगा तब इसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करूंगा सब्सक्राइब करते रहिएगा अल्लाह हाफिज